पशु पक्षियों की अजीबो गरीब सेक्स लाइफ। अगर आप ये मानते हैं कि गैंग रेप या सामूहिक बलात्कार जैसे काम केवल इंसानों की दुनिया में होते हैं तो आपकी समझ बहुत सीमित है। शायद आपको पता नहीं कि सामूहिक बलात्कार, सामूहिक संभोग पशु पक्षियों द्वारा भी किए जाते हैं। पशु पक्षियों के फोरप्ले, सहवास के तरीके कितने विचित्र और आश्चर्यजनक हो सकते हैं, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद आपको ये भी पता नहीं होगा कि मादा कंगारुओं की प्रजनन क्षमता बहुत अधिक होती है और शायद इसी कारण से उनके शरीर में 3-3 जननांग होते हैं। यह कहना गलत ना होगा कि मादा कंगारू एक ही समय पर 3 नर साथियों के साथ संभोग कर लेती है। इसी विशेषता का नतीजा है कि उसके मां बनने की संभावनाएं सारे पशुओं की तुलना में 3 गुना अधिक होती है। यह तो है नर और मादा के सहवास का नतीजा। लेकिन विप्टेल प्रजाति की सारी छिपकलियां मादाएं होती हैं और ये मादाएं ही मिलकर संभोग कर लेती हैं। इसका नतीजा बहुत सारे अंडों के तौर पर सामने आता है। जिस तरह पुरुष महिलाओं की इच्छा की परवाह किए या उनकी सहमति के बिना ही सहवाग करते हैं, ऐसा ही कुछ पक्षियों में भी हो जाता है। बहुत सारे नर बत्तख ऐसे होते हैं जो कि मादाओं के न चाहने के बावजूद उनसे संबंध बना लेते हैं। लेकिन नर बत्तखों को ऐसा करने से हतोत्साहित करने के लिए प्रकृति ने एक व्यवस्था की है। मादा बत्तख के गुप्तांग तक पहुंचने के बहुत रास्ते होते हैं और वो इनकी मदद से नर बत्तखों को गुमराह कर देती है और वे अपनी मनमानी नहीं कर पाते। मादा पांडा पूरे साल में केवल 24 से 72 घंटों के लिए ही संभोग के लिए तैयार होती है और अगर यह समय निकल गया तो नर पांडा को वर्षों तक इंतजार करना होता है। शायद इसी कारण से पांडा की जनसंख्या बहुत कम है और अगर इन्हें बंद करके रख दिया जाए तो कैप्टिविटी में इनकी जनसंख्या बढ़ने की संभावना और भी कम हो जाती है। इस मामले में टिड्डों की दुनिया बहुत ही अजीबोगरीब है। इन कीटों में मादा टिड्डा संभोग के दौरान ही नर का सर खा जाती है, लेकिन नर है कि बिना रुके जुटा ही रहता है तब तक जब तक पूरी तरह से वो अशक्त होकर गिर ना पड़े या फिर मादा उसे पूरी तरह खा ना जाए। कीट पतंगों की दुनिया से आप मछलियों की दुनिया में आए तो यहां भी आप हैरान हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। नर डॉल्फिन मछलियां भी मादा डॉल्फिन्स के साथ गैंग रेप करती हैं। यहां तक कि अगर नर डॉल्फिन की कोई गुप्तांग संबंधी बीमारी भी हो तो भी वो अपने शिकार को नहीं छोड़ते।